remember we met. पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान बनाया हुआ है जिसे लोग थॉमस के नाम से जानते हैं, जो कि बल्ब का आविष्कारक था। आज पूरे विश्व में उसके नाम चलते हैं, चर्चे चलते हैं कि आखिर बल्ब का आविष्कार किया था तो इस बच्चे ने किया था। कुछ समय बीतता गया, घर के सफाई कर रहा था वो बच्चा। जब बड़ा हो चुका था तो उसे वो लेटर मिलता है और उस लेटर को खोलकर पढ़कर देखता है तो उसमें लिखा हुआ था, आपका बच्चा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, आपका बच्चा जो है थोड़ा सा मानसिक रूप तौर पे कमजोर है, कृपया आप अपने बच्चा का शिक्षा खुद कराएं। लेकिन उस समय मैं बताऊंगा, उस माँ ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, अपने बच्चे को बिल्कुल निगेटिव नहीं किया और वहाँ पास एक पॉजिटिव संदेश देकर उस बच्चे को आगे बढ़ाया। वही मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो थीम है, मैंने सर से पूछा था कि सर आज का क्या थीम है, सर ने कहा माँ का। तो मुझे वो कहानी याद आता है कि सबसे पहला जो शिक्षक होता है वो घर में उसकी माँ होती है, जहाँ से वो अपना शिक्षा आगे बढ़ाता है। अब वो माँ और पापा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे किस तरह से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से उसे शिक्षा दे रहे हैं। मैं यहाँ पास स्कूल के टीचर्स लोग से भी काफ़ी खुश हुआ, यहाँ पास छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, देख रहा था सर यहाँ पास आए हुए थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पास टीचर्स का भी सहयोग रहा। मैं अपना नाम बताना चाहूँगा, मेरा नाम संदीप है, विनयोरसेल्फ ट्रेनिंग एकेडमी नोएडा से रहने वाला, वैसे चिरमिरी का हूँ लेकिन हमारी एक संस्था है जो एजुकेशन बेस पे काम करती है बच्चों के लिए, और हम यहाँ इस स्कूल में पिछले 2 सालों से अबेकस के सर्विस दे रहे हैं। तो कुछ बच्चे हैं हमारे जो यहाँ पास नेशनल लेवल में ज्ञानकुंज से स्कूल में बच्चे गए हुए थे और वहाँ पास 2000 बच्चे आए हुए थे जिसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। तो मैं एक छोटा सा क्लिप है, वीडियो है, मैं आप सभी से चाहूँगा कि उस क्लिप को देखें और उसे चलाएं जरा। Acting like a fool, I'm on the other side. स्टेज पर आ जाएं। और मैं आप में से कोई भी 2 लोग आ सकते हैं जो इन बच्चों का कैलकुलेशन को चेक करें, स्टेज पर आ सकते हैं कोई भी 2, कोई भी 2 लोग आ सकते हैं यहाँ पास जो बच्चों का कैलकुलेशन को चेक करेंगे। ये बच्चे एक आम बच्चे से खास बच्चे बन चुके हैं अबेकस का एजुकेशन लेकर। जो बच्चे अबेकस का एजुकेशन लेते हैं, अबेकस का पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों का कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी आ सकते हैं 2 लोग, कोई भी 2 लोग आ जाइए। अच्छा मैं ही बुलाता हूँ, आप आ जाइए सर, आइए।
आप आ जाइए सर, आप आ जाइए। माइक दे देंगे जरा एक और। हेलो, दो माइक और ला देंगे। हाँ एक ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का यहाँ पास मंच पे आने के लिए। सर आपका शुभ नाम? श्री प्रकाश जायसवाल। जी सर आपका? जी सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग तो जोड़ना घटाना ये तो जानते होंगे, जानते होंगे हाँ या ना? डेफिनेट। ठीक है, एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन करूंगा, ज्यादा नहीं, सिंगल डिजिट का, वन से लेकर नाइन तक और नाइन से लेकर वन तक। जब मैं प्लस बोलूंगा जोड़ने के लिए तो आप जोड़िएगा, और जब मैं माइनस बोलूंगा तो उसमें से घटा दीजिएगा मन ही मन, और जब मैं आंसर बोलूंगा तो आपको दोनों को आंसर करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, रेडी रेडी हैं आप लोग? आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि आखिर आंसर सही है या फिर गलत है। कर यहाँ पास ये रहे हैं कि जब मैं प्लस बोलूंगा तो सर मन ही मन में जोड़ेंगे, वन से लेकर नाइन तक सिंगल डिजिट ही बोलने वाला हूं मैं, और जब मैं माइनस बोलूंगा तो उसमें से घटा देंगे, और जब मैं आंसर बोलूंगा तो उसका आंसर करेंगे। रेडी? टू प्लस टू प्लस फाइव माइनस फोर माइनस फाइव प्लस वन प्लस फाइव प्लस वन प्लस टू माइनस फाइव। बहुत फास्ट चल रहे हैं क्या बोला? फिर से बोलिए आप। बहुत फास्ट है यार। मैं बहुत फास्ट हो गया या थोड़ा सा स्लो चले गए आप? चलिए, आंसर इज, आंसर इज फोर। एक नॉर्मल बच्चे जो कैलकुलेशन इतना फास्ट नहीं कर पाते, अब इसको वो अबेकस के माध्यम से बच्चे कर पाते हैं। अब जैसे अभी से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाते हैं, दो डिजिट, टू डिजिट से। ठीक है, रेडी रेडी है? ट्वेल्व प्लस टू प्लस टेन माइनस टेन प्लस सिक्सटीन प्लस एटीन प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस फोर्टीन प्लस एटीन प्लस ट्वेंटी वन। यस, इतना जल्दी नहीं कर पाते, नहीं हो पाएगा। यस सर, थैंक यू सर। ओके, आंसर इज 107. ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सभी को यही बताना चाह रहा था कि बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल इस माध्यम से बढ़ता है, अबेकस के माध्यम से। बच्चे बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं। नॉर्मली पेरेंट्स लोगों का प्रॉब्लम होता है कि बच्चे कुछ याद कर पा रहे हैं और जल्दी से भूल जा रहे हैं, तो बच्चों में अबेकस के माध्यम से याददाश्त क्षमता उनकी बढ़ती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ता है उनका। और एक ये अबेकस जो है वो टोटली ब्रेन बेस्ड एजुकेशन है। हम अपने बच्चों को सिलेबस बेस्ड एजुकेशन दे रहे होते हैं स्कूल में, लेकिन उनके मस्तिष्क विकास के लिए किसी प्रकार का कोई एजुकेशन के लिए हम ध्यान नहीं देते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा नीरज शिवहरे सर को, जो बच्चों के समग्र विकास के लिए, चाहे वो बॉडी हो, माइंड हो, सोल हो, ब्रेन हो, हर दिशा पे आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। और आने वाले समय में आगामी हमारा और भी जो सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट हम बच्चों को देने के लिए यहाँ पास उपस्थित रहेंगे। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे ज्ञानकुंज स्कूल के बच्चे हैं उन सभी के लिए एक महीने का फ्री डेमो क्लास हम लोगों ने रखा हुआ है, जो कि हमारे सेंटर, जगह का क्या नाम है सर, सेंटर जहां सेंटर है हमारा, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स के सामने। आप कोई भी अपने बच्चे को अबेकस की क्लासेस देना चाहते हैं, स्पेशली ज्ञान के बच्चे,
क्लास 2 से लेकर ऊपर वो अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा, वो अपने बच्चों को भेज सकते हैं यहाँ पास अबेकस का क्लासेस लेने के लिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू। अपने अपने स्तर में नेशनल्स में अपनी जगह बनाई और काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2000 बच्चों के बीच में टॉप 15 में प्लेस किया। दो हजार बच्चों के बीच में पुणे में यह आयोजन किया गया था जिसमें ये बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। उनके नाम मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ। इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप ऑफिसर कंडक्ट कर लेंगे, जितने भी पेरेंट्स हैं। जो हमारे ज्ञानकुंज से पहले कैटेगरी से फर्स्ट पोजीशन लिया था उन्होंने, उनका नाम है श्रेया, क्लास 1 की सेकंड पोजीशन के साथ में खुशी अग्रहरी, क्लास 1 से 97% के साथ में। थर्ड पोजीशन में ही फर्स्ट कैटेगरी में साजिया शरीफ, इसके बाद सेकंड कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड साक्षी कश्यप 100%, इन्होंने 100 में से 100 आउट ऑफ लिया था, और फर्स्ट पोजीशन इन्होंने सेकंड कैटेगरी में लिया था। सेकंड जो इसी कैटेगरी में है एमडी जैद, इन्होंने 98% के साथ में सेकंड प्लेस लिया था, और तीसरे स्थान पे प्रतीक जायसवाल, ये क्लास 5th से है और 98% के साथ में इस बी कैटेगरी में थर्ड प्लेस लिया था। इसी तरह से सी कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे अंजलि सिंह, जिन्होंने 97.33% के साथ में फर्स्ट इन द ज्ञानकुंज स्कूल प्राप्त किया था। वहीं सेकंड रैंक पे सोनाक्षी प्रिया, ये दोनों ही बच्चे सी कैटेगरी से नेशनल्स के लिए गए हुए थे, जिनका सिलेक्शन हमारी संस्था के द्वारा किया गया था। उनके लिए सर्टिफिकेट्स हैं इसी कैटेगरी में। अशोक जायसवाल जी से मैं निवेदन करूंगा वो स्टेज पे आके बच्चों को प्राइज दे, साथ में प्रकाश जायसवाल जी, आप सभी लोग इन बच्चों को आकर के इनको आशीर्वाद दें। जो भी बच्चों ने सर ने जिन बच्चों का नाम लिया है वो प्लीज स्टेज पर आकर अपना प्राइज ले लें। एबाकस वाले बच्चे जो सेकेंड अटेम्प्ट अपना एग्जाम दिए थे, सर ये नाम फिर से बोलिए सब बच्चों का, जो जो बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, सोनाक्षी प्रिया और अंजलि, ये दोनों ही ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सी कैटेगरी में फर्स्ट और सेकेंड रैंक अचीव किया था और नेशनल्स में जगह बनाई थी, और वहां पे सक्सेसफुली इन्होंने सांत्वना पुरस्कार की कैटेगरी में टॉप 15 में जगह बनाया अपनी कैटेगरी से। अंजलि सिंह एंड सोनाक्षी प्रिया, प्लीज बेटा आप सामने आए सर से प्राइज लें। अंजलि, अंजलि पहले आए। इन दोनों ही बच्चों ने 97.33% के साथ में ज्ञानकुंज स्कूल ने फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन लिया था। मैं पेरेंट्स को बता दूं, ये बच्चे 2000 बच्चों में ज्ञानकुंज स्कूल बैकुंठपुर का नाम रोशन करके आ रहे हैं दिल्ली से। एक बार इनके लिए तालियां बनती हैं, प्लीज जोरदार ताली बजा करके इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दें। थैंक यू बेटा। सोनाक्षी प्रिया प्लीज, क्लास 3rd की ये बच्ची है सोनाक्षी प्रिया, जिन्होंने दिल्ली में जा करके उन बच्चों को चैलेंज किया मेडल। बेटा थैंक यू। इसी कैटेगरी में क्रमशः 3rd और 4th रैंक दर्श झा एंड योगेश राजवाड़े, इन्होंने